मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। सो बिकॉज पिक्नोडेलिकवुड इज हाईली कॉम्पैक्ट, दैट इज वाई दे हैव सर्टेन इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, राइट? नाउ लुक एट द स्पोरेंजिएट, जो कोन्स हैं वो कैसे पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो यूनिसेक्सुअल पाए जाते हैं। यहाँ पर मोनोस्पोरेंजिएट कोन का फॉर्मेशन होता है और फ्लावर्स नहीं पाए जाते हैं। तो फ्लावर की जगह पर मोनोस्पोरेंजिएट कोन्स पाए जाते हैं एंड ऑल द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस इन द सेंस दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स, आइदर इट इज स्मॉल और बिग, यानी मेल और फीमेल अकॉर्डिंगली। सो इट इज हेट्रोस्पोरस, इट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू काइंड ऑफ स्पोरोफिल्स, लाइक माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स। तो दो तरीके के स्पोरोफिल्स पाए जाते हैं एंड बोथ टाइप ऑफ स्पोरोफिल्स फॉर्म्स कोन्स, और दोनों में ही कोन्स का फॉर्मेशन होता है और इस कोन्स को हम स्ट्रॉबिली भी कहते हैं, और इसको हम मेल और फीमेल कोन से भी जानते हैं, मेल एंड फीमेल कोन्स। इन द केस ऑफ साइकस, मेगास्पोरोफिल डू नॉट फॉर्म कोन। जो मेगा स्पोरोफिल्स है वो कोन का फॉर्मेशन नहीं करता साइकस के केस में, राइट? तो पॉइंट वाइज हम लिख लेते हैं वन बाई वन। द मोस्टली प्लांट्स आर यूनिसेक्सुअल एंड मोनोस्पोरेंजिएट। Mostly, the plants, yeah, gymnosperms are mostly, it is, कैसे होते हैं? Monosporangiate, unisexual and monosporangiate. Okay, they don't have flowers, so instead of flowers they have monosporangiate conditions and all the gymnosperms are heterosporous. Next point, all the gymnosperms are heterosporous. हेट्रोस्पोरस आप समझ ही गए होंगे, यानी जो फिजिकली है आप देख कर इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग शेप के पाए जाते हैं। नाउ इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अगर हम स्पोरोफिल की बात करें तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, स्पोरोफिल्स, स्पोरो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज माइक्रोस्पोरोफिल्स, एंड नेक्स्ट वन इज मेगास्पोरोफिल्स, राइट? व्हाट इज द माइक्रो एंड मेगा? बिकॉज एज यू नो कि जो कोन्स है इनको हम स्ट्रोबिलाई कहते हैं, तो इनमें दो तरीके के स्पोरोफिल्स पाए जाते हैं, माइक्रो से मेल और मेगा से फीमेल। सो दे आर कंसीडर्ड एज मेल कोन एंड फीमेल कोन। और इसको हम स्ट्रोबिली भी कहते हैं, कोन्स को हम स्ट्रोबिली, इसको मेल स्ट्रोबिली और इसको फीमेल स्ट्रोबिली भी कह सकते हैं, राइट? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इन द केस ऑफ साइकस मेगास्पोरोफिल्स डू नॉट फॉर्म कोन्स।
साइकस के केस में ऐसा पाया जाता है कि जो मेगा स्पोरोफिल्स हैं ये कोन का फॉर्मेशन नहीं करते, राइट। सो ले लीजिए, इन द केस ऑफ साइकस मेगा स्पोरोफिल do not form cone, यहाँ पर cone का formation नहीं पाया जाता। Okay, now let's see the microsporophyll. Microsporophyll को हम stamen से compare कर सकते हैं because it is a developing structure या primitive structure कह सकते हैं stamen का, and it has a microsporangia जिसको हम पॉलन सैक कहते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 900 टू 1000 माइक्रोस्पोरेंजिया इन सोराई ऑफ साइकस एंड 2 माइक्रोस्पोरेंजिया इन पाइनस स्पीसीज। ओके, लिखते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रो स्पोरोफिल स्टेमेन, जस्ट लाइक अ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। सो इट कंसीडर माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन सैक, माइक्रो स्पोरेंजिया जिसको हम पॉलन सैक भी कहते हैं, इनकी क्वांटिटी कितनी पाई जाती है? इट इज फाउंड अप्रॉक्सीमेटली 900 टू 1000। इतने पाए जाते हैं। ओके, माइक्रोस्पोरेंजिया इन सोराई ऑफ साइकस एंड एज ऑलरेडी टोल्ड यू 2 माइक्रोस्पोरेंजिया इन पाइनस स्पीसीज, वाइल द मेगा स्पोरोफिल जिसको हम कार्पल कह सकते हैं हैज मेगा स्पोरेंजिया। इन द केस ऑफ मेगा स्पोरेंजिया या मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल is also known as what? Carpels, just like इसको हम stamen कहते हैं, इसको carpels कह सकते हैं, carpel, which is female reproductive part, and each mega sporangia consist of ovule. It consist of carpel को हम mega sporangia भी कहते हैं, ठीक है, और इसी को हम ओव्यूल कहते हैं। मेगा स्पोरोफिल इज कार्पल एंड मेगा स्पोरेंजिया इज ओव्यूल, नेवर कंफ्यूज, मेगा स्पोरोफिल इज अ कार्पल एंड जो मेगा स्पोरेंजिया है उसको हम ओव्यूल कहेंगे, मेगा स्पोरेंजिया is considered as ovule, ठीक है। तो ये कंफ्यूजिंग है बट याद रखना कि मेगा स्पोरोफिल जिससे डेवलप होता है उसे कार्पल कहेंगे होगा और मेगा स्पोरेंजिया को ही हम ओव्यूल कहते हैं, राइट। तो इन दिस वे वी अंडरस्टैंड कि माइक्रोस्पोरोफिल जिसको हम स्टेमेन भी कह सकते हैं उनमें माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है जिसे हम पॉलन सैक कहते हैं और करीब 900 टू 1000 जितना पॉलन ग्रेन डेवलप होता है। मेगा स्पोरोफिल में कार्पल बोथ आर सेम थिंग्स बट इट कन्वर्टेड इनटू मेगा स्पोरेंजिया जिसे हम ओव्यूल कहते हैं, इनकी संख्या कम पाई जाती है 1 or 2 लाइक दैट, डिफरेंट स्पीसीज में अलग अलग। नाउ द डिस्टिंक्शन बिटवीन द एंथर एंड फिलामेंट इज एब्सेंट इन द माइक्रोस्पोरोफिल। अगर हम स्टेमेन की बात करें यहाँ पर
यहाँ पर कोई एंथर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता जैसे कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है। वैसे ही मेगास्पोरोफिल में कोई भी करेक्टरिस्टिक या ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। ये कैसे होते हैं? नॉन ऑर्गेनाइज और रोल्ड इनटू द कार्पल्स, कार्पल्स के अंदर रोल्ड स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। स्टिग्मा एंड ओवरी आल्सो नॉट फाउंड, यहाँ पर ना तो ओवरी पाई जाती है और ना ही स्टिग्मा पाए जाते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं, इन द केस ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल देर इज नो डिस्टिंक्ट, यानी कोई भी क्लियर नहीं होता। टू नॉट हैव, ऐसे भी लिख सकते हैं, टू नॉट हैव डिस्टिंक्ट वॉट एंथर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? वैसे ही इन द केस ऑफ मेगास्पोरोफिल, ठीक है, यहाँ पर भी कोई भी डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते। सो इन द केस ऑफ मेगास्पोरोफिल्स देयर इज नो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल इज फाउंड। सो कोई ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, इट इज रोल्ड इनटू द कार्पल, is rolled in the carpal. Okay. और स्टिग्मा साथ ही साथ ओवरी नहीं पाए जाते हैं। इन द केस ऑफ मेगास्पोरोफिल ओवरी एंड स्टिग्मा एब्सेंट। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं ओव्यूल्स के बारे में। Now ovules are exposed on megasporophylls. Ovules हैं पूरी तरह से open होते हैं, इसीलिए naked seed कहलाते हैं। तो लिख लीजिए, ovules are exposed on megasporophyll. Next point, ovule is orthotropous. Ovules are, ये structure है कि किस तरह के present होते हैं, orthotropous condition पाई जाती है। ऑर्थोट्रोपस, ट्रोपस, नेक्स्ट दे आर सेसाइल, प्लस दे आर यूनिटेगमिक, यानी एक ही लेयर पाई जाती है, सिंगल इंटिगमेंटेड, integumented and it is usually divided into three layers. इनमें तीन layers पाए जाते हैं, divided into three layered. So this is the structure of ovule. They are orthotropous, sessile, unitegmic, single integumented and three layered structure. Now next point, the megaspore are found by the
स्पोरिक मियोसिस प्रोसेस इन ओव्यूल। जो मेगा स्पोर है उसका फॉर्मेशन होता है बाय द स्पोरिक मियोसिस इन ओव्यूल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द मेगा स्पोर इज फॉर्म्ड ड्यू टू द स्पोरिक मियोसिस इन ओव्यूल, राइट। तो ये प्रोसेस कहाँ पर पाई जाती है? ओव्यूल के अंदर पाई जाती है। एंड देन दे डेवलप इनटू द हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट, राइट। क्योंकि स्पोरिक मियोसिस के बाद ही हैप्लॉइड कंडीशन डेवलप होती है। सो यहाँ से क्या होता है, इट डेवलप्स इनटू द हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट, राइट, विच इज नोन एज एंडोस्पर्म बिफोर द फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट आता है, इन द केस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, द माइक्रोस्पोर्स विच इज ऑल्सो नोन एज पॉलन ग्रेन्स और एंडोस्पोर्स आर फाउंड बाय द स्पोरिक मियोसिस। यहाँ पर जैसे मियोसिस प्रोसेस पाई जाती है ओव्यूल में, वैसे भी मेल में भी स्पोरिक मियोसिस प्रोसेस पाई जाती है, और इस मियोसिक प्रोसेस की वजह से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो लिख लीजिए, इन द केस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया या मेल गैमेटोफाइट, यहाँ पर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, कन्वर्टेड इनटू द पॉलन ग्रेन और एंडोस्पोर बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरिक मियोसिस, बाय स्पोरिक मियोसिस प्रोसेस। जब भी मियोसिस प्रोसेस होती है तो क्रोमोसोम के जो नंबर्स है वो रिड्यूस हो जाते हैं और हाफ हो जाते हैं। सो इन दिस प्रोसेस ऑन जर्मिनेशन द माइक्रोस्पोर फॉर्म्स मेल गैमेटोफाइट, मेल कैमिटो फाइट, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस बाय विच द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट इज फॉर्म्ड। इसके बाद की जो प्रोसेस है उसको हम पॉलिनेशन में देखते हैं, और बेसिकली यहाँ जो पॉलिनेशन पाया जाता है वो विंड के थ्रू होता है। नाउ लुक एट द ड्रास्टिक चेंज, ब्रायोफाइटा में वाटर इज कंपल्सरी, बट इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म We don't require water, instead of water we require air। तो यहाँ पर anemophilous condition पाई जाती है, यानी wind are required for the pollination, okay? And in this case direct pollination पाया जाता है, क्योंकि pollen grain directly reach करते हैं ovule में और वहाँ पर further fertilization की process perform होती है। During the release of pollen grain, it is of three celled। जो पॉलन ग्रेन रिलीज होता है वो तीन सेल्ड स्टेज में पाया जाता है, लेकिन अगर हम पाइनस की बात करें तो वहाँ पर फोर सेल्ड, साइकस में थ्री एंड पाइनस में फोर सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। तो लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, एनीमो फिलस कंडीशन is required
एनिमोफिलस यानी विंड, यानी जो मूवमेंट होगा बिकॉज ऑफ विंड. क्वाइट फॉर द पॉलिनेशन. एक ड्रेस्टिक चेंज है, बिल्कुल से परिवर्तन हो चुका है, इसको हम विंड कहेंगे. विंड पॉलिनेशन, हर तरह के पॉलिनेशन के लिए अलग से टर्म्स बनाए गए. अगर विंड से पॉलिनेशन होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एनिमोफिलस कंडीशन. राइट, यहाँ तक लिख लिया. नेक्स्ट पॉइंट, व्हाइल द पॉलन ग्रेन इज रिलीज्ड, अगर हम बात करें साइकस की तो यहाँ पर 3 सेल्ड और पाइनस के केस में वो 4 सेल्ड होते हैं. ठीक है, पॉलन ग्रेन ग्रेन थ्री सेल्ड इन द केस ऑफ साइकस. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है. एंड इन द केस ऑफ 4 सेल्ड स्टेज पाया जाता है पाइनस में. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. यहाँ पर विंड की रिक्वायरमेंट होती है इंस्टेड ऑफ वाटर.